हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज मैं आपके सामने है ना पांच महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 2020 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और ये सब जो क्वेश्चन है, जो काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है, जो कैलकुलस चैप्टर से लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ज़रा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारी टीम की ओर से जो क्वेश्चन लाया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है 2020 की बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने इस प्रकार से है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, की 18 सेंटीमीटर भुजा की भुजा के तीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्गाकार टुकड़ा काट कर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो शेष से एक ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है, तो उस वर्गाकार काटा गया वर्गाकार टुकड़े का भुजा का माप क्या होगा यदि संदूक का आयतन उच्चतम हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना, इसको बहुत शालीनता से आप इसको पढ़िए और समझिए, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस क्वेश्चन से ही हमारा आंसर मिलेगा। 18 सेंटीमीटर वाले भुजा के तीन का एक वर्गाकार टुकड़ा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक वर्गाकार जो है टुकड़ा बना लीजिए टीन का, इसका 18 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई भी जो है 18 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है हमें कि प्रत्येक कोने पर जो है ना हमारा इस प्रकार से एक वर्गाकार टुकड़ा काट लेना है, ठीक है। वर्गाकार टुकड़ा काट लीजिए और जिसकी भुजा की माप जो है एक्स है, इधर भी एक्स है तो इधर भी एक्स है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पर भी आपका एक्स है और ये भी एक्स है और ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। तो काटने के बाद इसकी आकृति जो हो जाएगी, इस प्रकार से आकृति हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आकृति हो जाएगी, ज़रा देखिएगा। और इधर से भी एक्स कट गया और इधर से भी एक्स कट गया, यानी यहाँ पर जो ये लंबाई बच गया, ये हो गया हमारा 18 - 2x, ठीक है। अब क्या है, इधर से भी हमारा जो है x कट गया और इधर से भी हमारा x कट गया, यानी इधर का भी जो है ये भाग जो बच गया हमारा 18 - 2x हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है कि हमारा जो है ये हो गया हमारा x और ये भी हो गया x, तो ये भी x है और ये भी हमारा x है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमको जो है ना यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दीजिए, यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दीजिए और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो ये जो है ना एक आपका ये आपका एक बन जाएगा संदूक इस प्रकार से, ठीक है। ये जो संदूक बनेगा, ये संदूक बन गया हमारा। अब ज़रा इसमें देखेंगे, ये जो है हमारा लंबाई हो जाएगा, ये है 18 - 2x और ये जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई, ये हो जाएगा 18 - 2x और ये जो फोल्ड होता है
ये हमारा एक्स जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। इस तरह से हमारा संदूक तैयार हो गया। चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसलिए मैं इसे इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, तो इस फिगर से सॉल्यूशन होगा फाइनली, तो और ऊपर का क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम फाइनल जो है हमारा जो बन गया फिगर उसी पर सॉल्यूशन निकालना है, तो इस प्रकार से हमारा फिगर बन गया। और ये जो है हमारा लंबाई हो गया 18 माइनस 2x, ये जो हो गया 18 माइनस 2x हमारा, और ये ऊंचाई हमारा x हो गया। ये याद रखना है चूँकि इसी पर तो क्वेश्चन बनना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका आयतन निकालते हैं। संदूक का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी भी बराबर जो हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये 18 माइनस 2x और ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ आयतन जो है हमारा x पर डिपेंड कर गया। तो कहता है क्वेश्चन में कि आयतन को उच्चतम होने के लिए, आयतन को उच्चतम होने के लिए, उच्चतम होने के लिए हमारा क्या भाई, तो dv बटा dx को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन x का सापेक्ष निकाल लेते हैं। तो ये जो है ये तो वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा पहला का dc यानी 18 माइनस 2x का वर्ग, और ये हो जाएगा dx और इंटू x, और प्लस हो जाएगा dx बटा dx और इंटू हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर ज़ीरो, ठीक। इसका यदि हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे 2 इंटू 18 माइनस हो जाएगा 2x, 18 का 0 और 2x का माइनस 2 इंटू एक्स, और प्लस ये तो कट गया, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का हमारा होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ जो है 18 माइनस 2x पहले कॉमन कर लो, इससे कितना बच जाएगा, इससे बचेगा माइनस 4x, और इससे प्लस बचेगा 18 माइनस 2x है ना बराबर 0। अब इससे x का दो वैल्यू मिलेगा, एक हो जाएगा 18 माइनस 2x बराबर 0, या तो जो होगा ये हो जाएगा माइनस 6x और प्लस 18 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या है कि ये हो जाएगा 18 बराबर 2x, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 6x बराबर 18, यानी यहाँ x बराबर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा x बराबर जो है हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि दो इसका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए जितना जो है इस तरह से जो हम फिगर बनाए थे आपका, ठीक है, ये जो फिगर हम बनाए थे इस तरह से, तो कहता है ना कि आयतन कब उच्चतम होगा, जब हमारा ये काटा गया जो वर्गाकार टुकड़ा जो है काट के हटाया गया है, जितना इसका वर्गाकार भुजा का माप कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा इसका आयतन उच्चतम होगा। इसलिए हमारा जो है ना आंसर जो होगा ये x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और ज़्यादा कीजिएगा तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव्स निकाल के मान रख लीजिएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके सामने है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या कहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि वक्र y स्क्वायर बराबर x और x y बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटता है, एक दूसरे को समकोण पर काटता है, समकोण पर काटता है, ठीक है, यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 है, यानी हमको यही साबित करना है बाबू, ठीक है, ये 8k स्क्वायर बराबर 1, ये प्रूफ कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि सबसे पहले हमारा वक्र कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा जो वक्र है y स्क्वायर बराबर s, ये वक्र नंबर 1 है,
दूसरा है हमारा एक्स वाई बराबर के, ये वक्र नंबर दो है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर बनाया जाए, तो ज़रा देखिए इसका फिगर क्या होगा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये पाराबोला का आकृति देगा, इसका अक्ष जो हो जाएगा एक्स अक्ष, चूँकि घात विषम है यहाँ पे, ये हो जाएगा इस प्रकार से, है ना, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स का वक्र, और इसका वक्र जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वक्र नंबर एक, और ये जो हो गया हमारा वक्र नंबर टू हो गया, और ये दोनों यहाँ पे कट कर गया, ठीक है। अब यहीं पे क्या है ना, इसका स्पर्श रेखा और इसका स्पर्श रेखा यहीं पे जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी सबसे पहले इस कटान बिंदु P निकालना होगा, और P का नियामक हमको निकालना होगा कि एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन बना लो, बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि वक्र एक और दो का उभयनिष्ठ या कटान बिंदु निकालना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर पहला वक्र है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और दूसरा है एक्स वाई बराबर के, किसी से मान रख के रख दीजिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ से वाई का मान रख लेते हैं, हो जाएगा के बटा एक्स, और इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा के बटा एक्स का ये होल स्क्वायर बराबर एक्स, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा के स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, यानी कि के स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स क्यू, और एक्स बराबर हो जाएगा के पे घात दो बटा तीन। एक्स नियामक निकल गया, दूसरा आप किसी इक्वेशन में रख दो, या तो पहला इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक पर रख दो। हम क्या करते हैं कि एक्स का मान हम एक में रख देते हैं, एक में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर जो है के पे घात हो गया दो बटा तीन, यानी वाई बराबर के पे घात हो गया दो बटा तीन पे घात हो जाएगा एक बटा दो, दो दो कट गया, यानी वाई का नियामक हो गया के पे घात एक बटा तीन, यानी कि हमारा पी बिंदु जो है, ये पी बिंदु का नियामक एक्स वाई जो है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा निकल गया, और वह क्या हो गया, तो हो गया के पे घात दो बटा तीन, और ये के पे घात आ गया एक बटा तीन, ये हमारा कटान बिंदु निकल गया, यानी इस पी बिंदु का, ठीक है, इस पी बिंदु का नियामक हमको निकल गया कि क्या हो जाएगा, के पे घात दो बटा तीन, के पे घात एक बटा तीन, ठीक। अब देखिए इसके आगे हमको क्या करना है, फिगर का भी ज़रूरत है, फिगर रखने देते हैं। अब चूंकि ये वक्र एक और दो जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, तो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होगा, तो यहाँ पर जो है इसको अब मिटाते हैं और इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। यानी हमारा जो है यहाँ पे k का जो नियामक आ गया है, ये हमारा है k पे घात दो बटा तीन, और ये k पे घात एक बटा तीन, इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि P बिंदु पर वक्र एक का स्पर्श रेखा का ढाल निकाल, वक्र एक का स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, यह पहला वक्र है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष डीसी कीजिए, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, इधर हो गया 2x, ये हो जाएगा 2y आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि m बराबर हो जाएगा 1/2y, यानी कि ये पहला वक्र है तो m1 कहते हैं 1/2, और p का y नियामक का मान बैठेगा, यानी k पे घात हो गया 1/3, ठीक। अब क्या करना है दूसरा कि P बिंदु पर वक्र दो के स्पर्श रेखा का ढाल निकालना, स्पर्श रेखा का यह ढाल निकाल लेना है, यानी कि दूसरा वक्र जो है एक्स वाई बराबर के, इसको भी डीसी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पहला का डीसी, दूसरा गुना में ये हो जाएगा दूसरे का डीसी, और पहला गुना में ये हो जाएगा डी के बटा डी एक्स,
ये कट गया वाई प्लस इसको एम टू कह दीजिए इंटू एक्स बराबर ज़ीरो, यानी एम टू बराबर जो हो जाएगा माइनस वाई बटा एक्स, यानी यहाँ पे पी बिंदु का एक्स नियामक और वाई नियामक का मान रख दीजिए, तो वाई नियामक है के पे घात एक बटा तीन और एक्स नियामक है के पे घात दो बटा तीन, ये हो जाएगा माइनस के पे घात माइनस एक बटा तीन। दोनों का स्लोप निकल गया पी बिंदु पर, ठीक है। इतना निकालने के बाद ये याद रखना है, इसको घेरा लगा दीजिए, ये जो है हमको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, इसके बाद देखिए क्या करना है, फिगर को रहने देते हैं कि हमारा, इसको मिटा दूं, अब तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। अब क्या है कि हमारा वक्र एक और दो है ना 90 डिग्री पर काटता है, जब 90 डिग्री पर काटता है तो दोनों के स्लोप का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वन के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला का स्लोप जो है ये आ गया हमारा वन बटा दो पे घात के पे घात एक बटा तीन और इनटू दूसरा हो गया माइनस के पे घात माइनस एक बटा तीन बराबर हो गया माइनस वन, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। यदि इसको एक बटा दो कह दिया जाए और ये हो जाएगा एक बटा के पे घात एक बटा तीन, इसको नीचे कर दिया तो ये हो जाएगा एक बटा तीन बराबर एक, यानी कि यहाँ पर इसको उधर कर दिया जाए तो एक बटा दो बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा के पे घात दो बटा तीन, ठीक है। अब दोनों तरफ यदि घन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा एक बटा दो पे घात तीन और बराबर हो जाएगा के पे दो बटा घात पे घात हो जाएगा तीन, तीन तीन कट गया और ये हो जाएगा एक बटा आठ बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, यानी कि हमारा वन बराबर हो जाएगा आठ के स्क्वायर। यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा साबित हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर दो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है इस प्रकार से है, कहता है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन निकालना, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हमारा जिसके सापेक्ष निकालना हो ना उसी को ले लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं एक्स टू द पावर ज़ीरो और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया इनवर्स फंक्शन और ये हो जाएगा अल्जेब्रिक। तो आई लेट के हिसाब से, ठीक है, आई लेट के हिसाब से पहले आई आ गया इसको पहला मान लेना है, बाद में है तो इसको दूसरा मान लीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड सूत्र लगाइए। पहला हमारा गुना में रहता है, दूसरे का समाकलन होता है और माइनस फिर क्या होता है, पहला का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन होता है, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकाला जाता है। ये तो हो जाएगा x, इसका समाकलन हो जाएगा x, इस x आगे कर दीजिए x हो जाएगा साइन इनवर्स x का ये होल स्क्वायर और ये माइनस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इन टू हो जाएगा 1 बटा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इसका हो जाएगा x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसको i कह दीजिए और इतना को क्या कह दीजिए, आई वन कह दीजिए, चूँकि है ना फिर लास्ट में आई वन का मान निकाल के हम रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि आई वन का मान निकालने का प्रयास करते हैं, तो हमारा आई वन जो है, आई वन बराबर जो है ये टू इंटू और ये साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और डी एक्स। हम सब्स्टिट्यूशन विधि का प्रयोग करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं x बराबर साइन थीटा यानी कि डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आई वन बराबर टू इंटू ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा, x के बदले हो जाएगा साइन थीटा और डी एक्स के बदले हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा और बटा
ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको इसको आई वन बराबर लिख सकते हैं टू इंटू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा, और बट्टा जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ये दोनों कट गया। और फिर से यहाँ पर आईलेट लगाते हैं, चूँकि थीटा के सापेक्ष इसका आकलन कर रहे हैं तो आईलेट के हिसाब से तो ये जो है ये हमारा जो बच गया ये ट्रिगोनोमेट्रिकल है और इसको कह सकते हैं कि अलजेब्रिक है। ठीक है, इसको पहला मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए दूसरा मान लीजिए। तो आई वन बराबर जो हो जाएगा टू इंटू ये हो जाएगा पहला गुना में दूसरे का समाकलन होगा और ये पहला का डीसी होगा और फिर ये दूसरे का समाकलन होगा और फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है हमको। तो आई वन बराबर जो हो जाएगा टू इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है समाकलन माइनस कॉस थीटा और ये डी थीटा डी थीटा कट गया और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और कॉस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस और माइनस माइनस कॉस का हो जाएगा यह साइन थीटा और प्लस सी, यानी आई वन यहाँ बराबर हो जाएगा टू माइनस टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस सी। और चूँकि हम साइन थीटा बराबर एक्स माने हैं यहाँ आई वन बराबर हो जाएगा माइनस टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और टू हो जाएगा नहीं ना प्लस जो हो जाएगा ये हो जाएगा टू एक्स और ये प्लस सी। इस आई वन का मान जो है हमको यहाँ रख देना है और फाइनल आंसर प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ आई बराबर जो दिया हुआ है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर और माइनस 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 हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनल आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू एक्स और प्लस सी। ठीक है, चूँकि आई वन का मान यहाँ तो हम निकाल चुके हैं आई वन का मान, तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर जो हो गया ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का वर्ग हो गया। ठीक है, और प्लस हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो हो जाएगा थोड़ा प्लस माइनस में देख लीजिएगा यहाँ माइनस होना चाहिए ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और प्लस, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बारीकी से करना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर पाँच जो है ज़रा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार जो है ये भी काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन में से एक से है, एक है बटा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन डी एक्स। देखिए जब ऊपर में एक्स का पद होता नीचे में अधिकतम घात एक्स पर दो है ऊपर में कम है, तो सबसे पहले इसका अंश को हर के अनुसार तोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है फाइव एक्स प्लस थ्री बराबर ए इंटू डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन बटा डी एक्स और ये प्लस बी, इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा पाँच एक्स प्लस थ्री बराबर ए इंटू ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर और प्लस हो जाएगा बी और इधर हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री बराबर टू ए एक्स प्लस हो जाएगा फोर ए प्लस बी। और यदि तुलना कर दिया जाए है ना एक्स या अचर पद को दोनों तरफ तुलना करने पर देखिए क्या होगा, यहाँ टू ए बराबर हो जाएगा पाँच यानी ए बराबर हो जाएगा पाँच बटा दो और फोर ए प्लस बी बराबर हो गया थ्री ये हो जाएगा चार गुने पाँच बटा दो और प्लस बी बराबर तीन ये हो जाएगा दो दुनी चार यानी बी बराबर हो जाएगा तीन माइनस दस यानी माइनस सात। ठीक है, ए और बी का मान यहाँ आ गया, अब रख दीजिए और क्वेश्चन का सोल्यूशन पा लीजिए। तो हमारा ए का देखिए आंसर जो आ गया है ये फाइव बाई टू है। ठीक है, और बी का जो आंसर आ गया ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पर हमको रखना होगा फिर समाकलन निकालना होगा, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं।
हमारा क्या आ गया कि 5x प्लस 3 बराबर a का मान है 5/2 और यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस 4 और यहाँ b का मान जो आया है ये है -7। ठीक है, अंश को तोड़ दिए, अब हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5/2 ये हो जाएगा 2x प्लस 4 -7/ योगी √x² + 4x + 10 और ये हो जाएगा dx बराबर ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 2x + 4 और ये अंडर रूट जो हो गया x² + 4x + 10 dx और -7 ये हो जाएगा 1/√x² + 4x + 10 dx। ठीक है, इसको i कह दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए हर का डीसी अंश में है तो यदि इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा तो आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, तो इसको i1 कह दीजिए और इसको क्या कह दीजिए i2 कह दीजिए, और यदि i में i1 i2 का मान रख दीजिएगा तो हमारा आंसर चला आएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया i1 कह दीजिए और इसको क्या कह दीजिए i2 कह दीजिए। अब हम जो है इसका मान निकाल रहे हैं i1 और i2 का क्या होना चाहिए, तो देखिए हमारा जो है पहले लिख देते हैं i बराबर जो है क्या आ गया, i बराबर है 5/2 और हो गया i1 अब माइनस ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा i2, इसी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आंसर चला आएगा। तो i1 का मान निकालने के लिए i1 बराबर जो है ये दिया हुआ है 2x + 4/√x² + 4x + 10 dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि हमको मान निकालना है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा x² + 4x + 10 = t और दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कीजिएगा तो 2x + 4 और ये dx बराबर हो जाएगा dt, यानी i1 का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा dt बटा हो जाएगा √t, ये हो जाएगा 2√t, यानी कि यहाँ पर t का मान रख दीजिएगा तो i बराबर 2√ हो जाएगा x² + 4x और + 10। चलिए हमारा i1 का मान निकल गया। ठीक है, अब हम i2 का मान निकालते हैं, i2 बराबर क्या होना चाहिए, तो i2 बराबर जो होगा हमारा ये है 1/√x² + 4x + 10 dx। तो यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे हम, चलिए करते हैं, ये हो जाएगा a² + 2a और ये b तो +b² तो -b² + 10, ये हो जाएगा a + b² यानी a + b² 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा +6 यानी ax + 2² और प्लस इसको √6 का वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या है कि इसका यदि हम समाकलन निकालेंगे ये हो जाएगा 1/√ ये हो जाएगा ax + 2² और प्लस ये हो जाएगा √6 का वर्ग और ये dx बराबर। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है log, ये हो जाएगा ax + 2 और प्लस ये √ हो जाएगा ax + 2² और प्लस हो जाएगा √6 का वर्ग हो जाएगा, यानी हो जाएगा log, ये हो जाएगा ax + 2 फिर से तोड़िएगा ये हो जाएगा x² + 4x + 10 √+c। यानी यहाँ पे जो है हमारा i2 का भी मान निकल गया, जब i2 का मान निकल गया तो यहाँ पे रख दीजिए, है ना, इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, इसमें एक में रख दीजिए i1 i2 का मान, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हम आंसर को प्राप्त कर गए और फाइनल हमारा आंसर जो है इस प्रकार से है, आंसर को रहने देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा ना। चलिए यहाँ जो फाइनल आंसर जो हो गया ये हो गया 5/2 और ये हो गया 2√x² + 4x + 10 - 7 log ax + 2 और प्लस ये हो गया x² + 4x + 10 √+c और ज़्यादा कीजिएगा तो है ना हमारा क्या है ये 2 कट जाएगा और फाइनली आंसर जो आ गया ये हमारा जो हो गया 5√x² + 4x + 10 - 7 log
एक्स प्लस टू और प्लस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन का मोड प्लस, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया जी, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और लास्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन जो है ये भी VVI क्वेश्चन है, ज़रा उसको देखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है कि समाकलन के प्रथम सिद्धांत से, समाकलन के प्रथम सिद्धांत से ठीक है क्या साबित करना है भाई, तो 2 है 3x² dx का मान निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो ध्यान में रखिएगा, ये क्या है जैसे क्वेश्चन है 2 to 3x² dx, इसको कंपेयर कर दीजिए a से b और यहाँ हो जाएगा fx और dx, यानी यहाँ पर सबसे पहले nh का मान निकालना होता है जो b माइनस a होता है, यानी कि 3 - 2 = 1, और यहाँ fx बराबर जो हो गया x स्क्वायर, यानी यहाँ f ऑफ a प्लस rh लेते हैं तो हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस r इंटू h, यानी हो जाएगा 2 प्लस rh का ये होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब है एक भाग का यदि क्षेत्रफल लेते हैं, एक भाग का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस rh का होल स्क्वायर इंटू चौड़ाई h होता है, तो संपूर्ण भाग का यदि क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल तो यहाँ पे सिग्मा लगाना पड़ेगा ठीक है, सिग्मा आर बराबर एक से लेके आर बराबर एन तक, और ये हो जाएगा 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर इंटू एच। अब पहले यहाँ पर तोड़ लीजिए इसको, इधर हो जाएगा सिग्मा आर बराबर एक से लेके आर बराबर एन तक, ये जो हो जाएगा 4 और प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2 × 4 rh इंटू एच है, आप अलग अलग पद कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4h, ये हो जाएगा सिग्मा 1 और यहाँ पर हो जाएगा एच क्यू, ये हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4h स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा आर हो जाएगा ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन का, इसको रहने देते हैं चूँकि ये पार्ट का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा अभी यहाँ पर। फाइनली फाइनली जो है क्या ज़रूरत पड़ेगा कि हमारा जो है सिग्मा 1, ये जो हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन का ये हो जाएगा 4h, इसका मतलब n हो गया और ये है एच क्यू ठीक है, तो एच क्यू का मतलब जो हो गया, और लिमिट छूट गया है एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 देना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा 4h और ये सिग्मा 1 हो गया प्लस एच क्यू सिग्मा ये आर स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया 4h स्क्वायर ये सिग्मा आर हो गया, सब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 4h इंटू एन प्लस ये हो जाएगा एच क्यू गुने ये हो जाएगा n बटा 6 ये हो जाएगा 2n + 1 × n + 1 और ये हो जाएगा 4h स्क्वायर इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2। अब क्या कर देना है कि यहाँ पर h 3 × h है, इसके साथ सबके साथ सेटिंग कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 4nh प्लस nh बटा 6 ये हो जाएगा 2nh प्लस h इंटू हो जाएगा nh प्लस h ये हो जाएगा 2 × nh और ये हो जाएगा nh प्लस h ठीक है। अब हमको यहाँ पुट कर देना है nh बराबर 1 कीजिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस 1/6 × 2 × 1 और प्लस 0 और इंटू हो जाएगा 1 + 0 और प्लस 2 × 1 और ये हो जाएगा 1 + 0 तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 2/6 और प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 × 2 = 6 + 1/3 6 × 18 = 19/3 वर्ग इकाई ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर हमारा यही हो गया ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम के लिए काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, और देखिएगा कि विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये सब क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको देखिएगा।